हेलो एवरीवन, प्रोफेसर मेकअप कोर्स डे 6 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राइट शेड ऑफ द फाउंडेशन, यानी कि जब भी हम प्रोफेशनल मेकअप करेंगे, कोई भी मेकअप हो, चाहे वो ब्राइडल मेकअप हो, पार्टी मेकअप हो, गेस्ट मेकअप हो, कैसा भी मेकअप हो, तो उसमें हम फाउंडेशन को किस तरीके से चूज करेंगे या अप्लाई करेंगे। और एक प्रॉब्लम जो सभी के साथ आती है, खासतौर पे बिगनर के लिए, कि जब भी हम फाउंडेशन अप्लाई कर देते हैं, बेस बना देते हैं, मेकअप कंप्लीट हो जाता है, तो फाउंडेशन काला क्यों हो जाता है। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में। तो हमें कुछ मेन मेन इम्पोर्टेंट यानी कि बातों को जानना पड़ेगा कि किन वजह से जो फाउंडेशन है हमारा वो काला हो जाता है, यानी कि ग्रे या ब्लैक ब्लैक सा हमें मेकअप का लुक दिखाई देता है, फिनिशिंग नहीं नज़र आती है, वो भी 10 या 15 मिनट के बाद ही वो ग्रे होना या ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या क्या हम खामियां रहेंगी, कमियां रहेंगी इसके होने के लिए, तो पहले वो समझा जाए। सबसे पहले अगर फेस पे हम स्क्रबिंग या फिर अच्छे से उसको क्लीन नहीं करेंगे हमारे फेस को, और डेड स्किन या ड्राई स्किन हमारे फेस की रहेगी, तो इस वजह से भी हमारा जो फाउंडेशन है वो काला हो जाता है। नंबर 2, CTM को स्किप कर देते हैं। जब भी हम मेकअप करते हैं, अगर हमने CTM नहीं किया, यानी कि क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग, मॉइस्चराइजिंग अगर हमने ये सारे स्टेप छोड़ दिए और डायरेक्ट हमने मेकअप स्टार्ट कर दिया है, तो हमारा जो है फाउंडेशन वो ब्लैक होना या ग्रे होना शुरू हो जाता है। तो हमारी जो CTM प्रोसेस है वो भी ब्राइडल के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम इसको स्किप नहीं कर सकते, इसको करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्किपिंग प्राइमर। ठीक है, मतलब जब भी हम ब्राइडल मेकअप करेंगे, CTM होने के बाद हमें प्राइमर ज़रूर अप्लाई करना है। प्राइमर के क्या फ़ायदे होते हैं? प्राइमर एक तो जो भी हमारे ये प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं उनमें केमिकल होते हैं, वो स्किन के अंदर नहीं जा पाते, वो एक लेयर सी बना देते हैं स्किन के ऊपर, ताकि कोई भी हमारे फेस की बैड इफ़ेक्ट ना हो, जो मेकअप करेंगे ना उसके बैड इफ़ेक्ट ना हो हमारे फेस के ऊपर। तो प्राइमर भी अप्लाई करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक ये होता है स्किपिंग न्यूट्रलाइजेशन। ये क्या होता है? ये होता है कलर कोरेक्शन करना, यानी कि जब हमें यही नहीं पता कि हमें किस तरह का फाउंडेशन किसके ऊपर अप्लाई करना है, कौन सी कलर टोन यानी कि फाउंडेशन किस कलर का किस स्किन के ऊपर सूट करेगा, तो हमें पता ही नहीं चलेगा जब तक, तो हम अप्लाई भी वो नहीं कर सकते अच्छे से। तो सबसे पहले हमें कलर करेक्शन के बारे में जानना होता है कि किस तरीके से हम मेकअप करने से पहले कलर करेक्शन को जाने, और क्या क्या टॉपिक होते हैं, कैसे किया जाता है, ये भी मैं आपको दिखा दूंगी। मेन मेन इंपॉर्टेंट बातें मैं आगे बता दूंगी। उसके बाद होता है स्किपिंग सेटिंग। सेटिंग क्या होता है? सेटिंग ये होता है कि जब भी हमारा बेस बन के रेडी हो गया, हमने सारा कुछ कलर कॉन्ट्योरिंग कर लिया, करेक्शन कर लिया, अप्लाई करके बिल्कुल हमने लास्ट में फिनिश कर दिया, लेकिन हमने पाउडर नहीं अप्लाई किया है फेस पाउडर उसके ऊपर, यानी कि मेकअप को सेट नहीं किया है, इस तरीके के फाउंडेशन ये जो फेस पाउडर होते हैं इनसे हमने मेकअप को सेट नहीं किया, तो तब तक हमारा क्या होगा, वो सेट ही नहीं होगा। तो मेकअप की सेटिंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस तरीके से ये एक लाइट शेड में है, ये डार्क शेड में है, मियोन का है ये, और ये है ये बनाना लूज पाउडर है। अब कोई भी स्किन पे सूट करने के अकॉर्डिंग, यानी कि कलर के अकॉर्डिंग, डार्क है लाइट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। ये है मियोन वेलवेट लूज पाउडर, ये भी बहुत ही अच्छा है और फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है इस पाउडर की। तो हमें मेकअप को सेट जरूर करना है लास्ट में, जब भी हमारा फिनिश हो जाए। ठीक है, तो अब ये होता है कि ये सारी चीज़ें
हमें करनी ही करनी है, इनको स्किप नहीं करना है। अगर इनको हम एक भी चीज ये स्किप कर देंगे तो कुछ ना कुछ कमी हो ही जाएगी, या तो ग्रे हो जाएगा या फिर ब्लैक हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं, जब ये काला हो जाता है ना फाउंडेशन हमारा, मेकअप ब्लैक होना या ग्रे होना शुरू हो जाता है, इसको बोलते हैं बेस ऑक्सीडाइजेशन। ऑक्सीडाइजेशन क्या होता है, जब भी हम फाउंडेशन अप्लाई कर लेते हैं, अप्लाई होने के बाद वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उसको बोला जाता है बेस ऑक्सीडाइजेशन। ठीक है, तो ये किस तरीके का होगा, मतलब कौन सा फाउंडेशन के साथ बेस हमारा जो मेकअप है वो ऑक्सीडाइज करेगा, ये हर एक फाउंडेशन के साथ हो सकता है। यानी कि चाहे वो कितना भी इम्पोर्टेड हो या फिर कोई अच्छा लोकल कैसा भी फाउंडेशन हो, सभी के सभी हो सकते हैं ग्रे या ब्लैक। तो जिस तरीके से आपको मैं एक एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे हमने कोई फ्रूट कट कर लिया है, उसको 10 या 15 मिनट ऐसे ही रख देंगे तो वो कैसा होना शुरू हो जाता है, ब्लैक या ग्रे टाइप में होना शुरू हो जाता है ना। तो इसी तरीके से जो हमारा फेस का मेकअप है सेम वही है, जब हम अप्लाई करते हैं तो ये बोतल में से या इन ट्यूब में से निकल के बाहर आती है ये सारे जो प्रोडक्ट हैं, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, कलर तो चेंज अपने आप होगा ही। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें सही शेड एक तो हमें सेलेक्ट करनी है। मेन जो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट कलर के लिए बात होती है, हम कभी भी हमारी जो स्किन टोन है उससे हम फेयर नहीं अप्लाई करेंगे। अगर हमने हमारी स्किन टोन से फेयर फाउंडेशन अप्लाई कर लिया तो वो ग्रे जरूर होगा, ब्लैक होना जरूर शुरू हो जाएगा। हमें हल्का सा हमारी स्किन से डार्क ही रखना है। अगर आप ज्यादा ही डार्क है तो हम क्या करेंगे, टू शेड ले लेंगे फाउंडेशन की। देखिए डार्क मैंने ले लिया है, अब हम इसमें लाइट शेड ले लेंगे, कोई भी आप ब्रांड का ले सकते हैं अपनी मर्जी से। तो ये देखिए ये डार्क है और ये लाइट है, आप देख सकते हैं। अब इनको हम मिक्स मैच कर देंगे। ठीक है, देखिए इस तरीके से हमने मैच कर दिया, देखिए ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो ये वो कलर नहीं रहेगा, ना तो ये डार्क रहेगा ना ही लाइट रहेगा, ये मीडियम कलर हो जाएगा। अगर आपकी स्किन पे अच्छे से सूट कर रहा है तो, अगर आपका ये डार्क है तो हल्का सा और आप लाइट मिला लीजिए, अगर ये लाइट लग रहा है आपकी स्किन पे तो आप इसमें डार्क मिला लीजिए। तो अपनी स्किन के अकॉर्डिंग आप फाउंडेशन इस तरीके से रेडी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से आप जैसी भी आपकी स्किन है तो इसको मैचिंग बोलते हैं, फाउंडेशन मैच करना। अच्छे तरीके से आप इस तरीके से अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। इसको कस्टमाइजेशन बोला जाता है, जब भी हम बेस की कस्टमाइजेशन करते हैं तो क्यों होता है, और ये तो हमें पता चल ही गया क्या होता है, बेस ऑक्सीडाइजेशन वही होता है, फाउंडेशन काला क्यों हो जाता है, ग्रे क्यों हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने आपको बताई है, ये हमें जरूर करनी है। फेस कर्व करना है, सीटीएम करना है, प्राइमर भी अप्लाई करना है, कलर करेक्शन करना है। कलर करेक्शन हम कैसे कर सकते हैं, जैसे हमारी ये अंडर आईज का एरिया जो ब्लैक हो जाता है, वहां पे हम डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, वो तो ग्रे होगा। तो अगर हम कलर करेक्शन उसमें करेंगे अच्छे तरीके से, हमें अंडर आईज में ऑरेंज कलर अप्लाई करना होता है, ऑरेंज कलर अप्लाई करेंगे उसके बाद हम हल्का सा हमारी स्किन से डार्क कलर उस पर अप्लाई करेंगे तो हमारा जो मेकअप है वो बिल्कुल ही सेट हो जाएगा। ये हमारा है एलेगल प्रो कंसीलर, यानी कि HD हाई डेफिनेशन में कंसीलर है ये, बिल्कुल ही फिनिशिंग दे देता है मेकअप की। जब भी हम अप्लाई करते हैं इसको, लुक बहुत ही प्यारा आता है इनसे, और ये लॉन्ग लास्टिंग भी होता है, ये नहीं है कि उठा उठा सा रुखा रुखा सा रहेगा इनसे मेकअप, बिल्कुल परफेक्ट फिनिशिंग आती है। तो हम इस तरीके से कलर करेक्शन करेंगे। मान लीजिए आपको सॉरी, ये फाउंडेशन मिक्सिंग हो गया, मैचिंग हमारी स्किन टोन की मैचिंग अकॉर्डिंग हो गया, यानी कि जैसी हमारी स्किन टोन है सेम वैसी नहीं होनी चाहिए, हमें हल्की सी डार्क अप्लाई करनी है, लाइट तो बिल्कुल भी नहीं अप्लाई करनी है। अगर हमने लाइट शेड अपना लगा ली हमारे फेस से तो वो 100% आपका ग्रे होगा या ब्लैक होना शुरू हो जाएगा।
तो फाउंडेशन की मिक्सिंग हमें करनी है। अब जब भी आप ब्राइडल को या कोई भी गेस्ट मेकअप है उनको अप्लाई करोगे तो आपको मिक्सिंग करनी है। अगर चाहो तो आप इसमें फेस पाउडर भी अप्लाई कर सकते हो, वो और ज़्यादा इफेक्टिव बेस बन जाएगा अगर आप इसमें फेस पाउडर अप्लाई कर दोगे तो, और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये हमारे मेन मेन टॉपिक थे। तो हमें करना क्या है, हमें प्राइमर यूज करना है सीटम करने के बाद, ठीक है। और 2 शेड्स हमें मिक्स करनी है फाउंडेशन की, एक हम डार्क शेड ले लेंगे और एक हम लाइट शेड ले लेंगे। उनको मिक्स करके हम बेस रेडी करेंगे, उसी को हम अप्लाई करेंगे। और उसके बाद हमें लाइट और डार्क शेड के कॉम्पैक्ट यूज करने हैं, यानी कि जो भी आप सूट करे आपकी स्किन के ऊपर उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ये कॉम्पैक्ट या फेस पाउडर कोई भी जैसे भी आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है वही अप्लाई कीजिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है बेस पाउडर, ये अप्लाई ज़रूर करना है हमें। ये नहीं कि हमने सिर्फ फाउंडेशन वगैरह अच्छे से लगा लिया, सारा कुछ हो गया, हमने लास्ट में पाउडर नहीं अप्लाई किया तो क्या होगा, तो वो कुछ ना कुछ कमी हो ही गई ना। तो वो वही है, तो हमारे फेस पे जो भी ऑयल होता है वो रिड्यूस होगा और वो फाउंडेशन के साथ मिक्स करके वो कलर चेंज हो जाएगा। तो अगर हमने इससे फाउंडेशन से उसको अच्छे से सेट कर दिया है तो हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, बिल्कुल भी वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो ठीक है, तो हमें कोई भी लाइट और डार्क कंसीलर ले लेना है। कंसीलर यही जो मैंने आपको दिखाए हैं, बहुत सारे कंसीलर यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल हैं। ये है, ये देखिए, एक ये कंसीलर है। ये भी सभी शेड में अवेलेबल होते हैं, आपको डार्क लाइट जैसा भी आपको चाहिए, लिक्विड कंसीलर है तो आप वही अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको बहुत सारे फाउंडेशन खरीदने हैं, एक डार्क ले लीजिए एक लाइट ले लीजिए और उसी में बहुत सारे कलर बन जाएंगे। अगर आपको ज़्यादा डार्क चाहिए तो आप डार्क की शेड बहुत ज़्यादा इसमें ऐड करोगे और लाइट की कम ऐड करोगे। अगर आप आपको फेयर चाहिए तो फेयर की आप ज़्यादा करोगे, डार्क की कम। तो उसी तरीके से ये शेड हमारी चेंज होती जाएंगी। 2 फाउंडेशन से हम बहुत सारे शेड तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मेन मेन बातें थी हमारे मेकअप के लिए, मेकअप बेस के लिए इम्पोर्टेंट जो हमें याद रखनी है और ऐसा ही करना है जब भी हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगी कि किस तरीके से बेस अप्लाई किया जाता है, वो मैं आपको अप्लाई करके ही दिखाऊंगी, तभी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इस तरीके से बेस बनाया जाता है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बेल बटन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।